नवाज शरीफ ने यूएन में कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए 4 फॉर्मूले सुझाए थे। इस सुझाव पर नवाज शरीफ को सुषमा स्वराज ने करारा जवाब दिया था। वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और भारत के बीच शांति पहल का एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूंगी, 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए। यही एक सूत्र सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। अमित पांडे के पास चलते हैं। अमित, सुषमा स्वराज जितना अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती थी, उतना ही बेबाकी और बुलंद हौसलों के लिए। यूएन का उनका ये भाषण जो हमने सुनाया, वो इसी बात की तस्दीक करता है। जी बिल्कुल, और पिछले 5 साल से हमें बहुत करीबी से उनको कवर करने का मौका मिला, और ये वो वक्त था जब सुषमा स्वराज की तबीयत है वो ख़राब हो रही थी और उनको लगातार उनका अस्पताल का दौरा करना पड़ा था। बावजूद इसके कुछ ऐसे वाक्य हैं जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि सारे दलों में उनकी स्वीकार्यता थी। हम अक्सर संसद भवन आते थे और किसी का बिना सहारा लिए हम सुषमा स्वराज को अक्सर गेट से एंटर करते हुए देखते थे, और दूसरी बात जब वो बाहर निकलती थी या गैलरी में थी तो अक्सर ये भी देखा जाता था कि अलग अलग राजनीतिक दलों के जो सांसद हैं वो उनके पास जाते थे, उनके पास कुछ चीजें समझते थे, और 5 से 7 या 10 मिनट तक सुषमा स्वराज उनको अपनी बातें समझाती थी और उसके बाद वो जाते थे। तो ये तो था अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों के साथ उनका बर्ताव पिछले 4-5 सालों में। और दूसरा, अगर हम पब्लिक फंक्शन की बात करें, अपने पहले के दिनों के मुकाबले अब इस पिछले 5 साल के दौरान बहुत से ज़्यादा वो स्वस्थ नहीं थी। बावजूद इसके उनका अपीयरेंस देखा जा सकता था। हमें याद है कि एग्जाम वॉरियर्स पीएम की बुक थी, उसके लॉन्चिंग में वो आई थी, उनका स्वास्थ्य गवाही नहीं दे रहा था कि वो लगातार 1-1.5 घंटे खड़े हो जाएं। उन्होंने बैठ कर पूरा मंच उन्होंने संचालन किया, पूरे किताब की उन्होंने विवेचना की, और उस वक्त वो विदेश मंत्री थी। बावजूद इसके देश के बच्चों को उन्होंने संदेश दिया कि नहीं, आप ये किताब पढ़िए और इससे आपको एग्जाम से घबराने की जरूरत नहीं है। तो हर तरीके के इश्यूज पर, हर तरीके की समस्या पर उनकी नजर रहती थी। ये दूसरा पहलू था। और तीसरा सबसे अहम पहलू ये होगा कि हमें याद होगा कि जब 2014 में पीएम मोदी जब चुनकर आए थे तो उन्होंने अपना एक वीडियो ट्वीट किया था, और उसके बाद ट्विटर कितना महत्वपूर्ण है पिछले 5 सालों में, ये सिर्फ और सिर्फ सुषमा स्वराज की बदौलत ही उन्होंने यहाँ पर पूरे देश ने जाना कि ट्विटर के जरिए भी समाज सेवा हो सकती है, जनता तक पहुँचा जा सकता है। और कमोवेश 3-4 साल तक 2016-17 के बाद अब जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, और यहाँ तक कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी ट्विटर के जरिए फीडबैक का मॉडल इसी ट्रेंड को देखकर उन्होंने अपनाया था। तो ये उनकी दूरदर्शिता की सोच का नतीजा था कि हम इस तरीके से जनता तक पहुंच सकते हैं, हम अलग अलग मुद्दों तक जनता के पास पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, तो जो ट्विटर के जरिए उनका आम जनता से कनेक्ट करने का तरीका था, वही लोगों को बहुत पसंद आया। रवि, बतौर पत्रकार आपको कई बार सुषमा स्वराज से मिलने का मौका लगा होगा, आप अपना अनुभव कैसा साझा करेंगे? क्योंकि जो इस वक्त हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि क्या आम क्या खास, हर कोई दुखी है, आप अपना अनुभव साझा करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक वाक्य अभी करीब 15 से 20 दिन पहले का याद आता है, और एक कार्यक्रम में हो गई थी, और उस कार्यक्रम में तमाम जो पश्चिम बंगाल के विक्टिम वहां पर आए थे और अपना वो व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहे थे, जिसमें उस कार्यक्रम में सुषमा स्वराज को बुलाया गया था जो ऑर्गेनाइजर थे, और ऑर्गेनाइजर ने उनको कहा था कि आप आएंगे और स्पीच देंगे और इसके बाद चली जाएंगे, क्योंकि पता था कि वो लगातार जो अस्पताल के भी कई बार चक्कर लगते थे और अभी चुनाव उन्होंने इसकी वजह से ही नहीं लड़ा था, तो उसकी वजह से। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं करीब 1 से 1.5 घंटा वहां पर रहूंगी और 5 ऐसे विक्टिम जो पीड़ित होंगे, उनके परिवार, उनकी बात सुनूंगी, पर्सनली बात सुनूंगी, इसके बाद मैं अपनी बात वहां पे रखूंगी। तो किस तरीके से लोगों के साथ में कनेक्ट करना है, किस तरीके से आम जनता की सुनवाई करना है, वो सुषमा स्वराज को बखूबी पता था, और वो जमीन से जुड़ी हुई नेता थी। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा हुआ है कल देर रात से ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी उनसे मिलना होता था लोगों से, चाहे वो बड़े नेता हों
वो दिल्ली के नेता हो, छोटे नेता हो या पत्रकार हो, सबसे मिलजुल कर और हंसी खुशी जो है मिलती थी, सबसे मुस्कुरा कर बातचीत करती थी और ऐसा लगता था एक अपनत्व की भावना उनसे मिलने के बाद ये एहसास होता था। सुषमा स्वराज का ये व्यक्तित्व था। और दूसरी बात यह कि पिछले 5 साल में क्योंकि विदेश मंत्री के तौर पर उनको शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसलिए पोर्टफोलियो दिया होगा क्योंकि जो विदेश नीति है उसको किस तरीके से मजबूत करनी है, और सुषमा स्वराज एक प्रखर वक्ता प्रवक्ता रही हैं और वो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को बखूबी और मजबूती के साथ किस तरीके से रखनी है और सुषमा स्वराज वो बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं, तो और उनको विदेश मंत्री बनाया गया। हालांकि उन्होंने बाद में जब 2019 का चुनाव हुआ तो उन्होंने खुद ही कहा चुनाव से पहले कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो 5 साल तक विदेश नीति को मजबूत करने में सुषमा स्वराज का काफी ज्यादा मजबूत हाथ रहा है, काफी बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल प्रियंका, हम सुषमा स्वराज के योगदान की बात कर रहे हैं क्योंकि कई इतिहास उन्होंने रचे और ओजस्वी वक्ता, कुशल प्रशासक, सर्वश्रेष्ठ पार्लियामेंटेरियन शब्द कम पड़ जाते हैं सुषमा स्वराज को संबोधित करते हुए। जी बिल्कुल सही कहा जसप्रीत आपने, उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उनके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। अभी सुषमा स्वराज के घर के बाहर हम मौजूद हैं, हम उनके ह्यूमैनिटेरियन कामों की बात भी कर रहे हैं, तो ऐसे में ये भी आपको बताना चाहेंगे कि कैलाश सत्यार्थी भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहां पर पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर कैलाश सत्यार्थी की अगर बात करें तो वो बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ऐसे में जिन कामों की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने देश के कोने कोने में या किसी भी कोने से अगर उनको किसी मदद के लिए कभी गुहार लगाई गई तो उन्होंने हर बार लोगों की मदद की है। ये एक चेहरा सुषमा स्वराज का है जो लोग कभी नहीं भूल सकते। विदेश मंत्रालय को अगर लोगों के दिल के करीब किसी ने बनाया तो वो सुषमा स्वराज है। एक मिनिस्टर आपकी एक ट्वीट से, आपकी 180 वर्ड से आपकी मदद कर सकता है, इसका यकीन अगर किसी ने दिलाया तो वो सुषमा स्वराज है। खासतौर पर मैं जो लगातार बात कर रही हूं कि यूथ जो है, युवा जो है, उनके साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं क्योंकि जिस डिजिटल क्रांति की बात होती है, ऑनलाइन जमाना है, ऐसे में किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्टेड रहा जा सकता है बिना पीएस के, बिना पीएस के, बिना अपॉइंटमेंट्स के, ये सबने सुषमा स्वराज से सीखा। इसके अलावा अगर बात करें तो सुषमा स्वराज से त्योहारों के दौरान जब भी मिलना हुआ तो मालूम चला कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में वो सख्त विपक्ष पे, उसके बाद विदेश मंत्री के तौर पर नजर आती है, व्यक्तिगत तौर पर वो उतनी ही सुलझी हुई और उतनी ही अगर कहें कि फन लविंग रही है। करवा चौथ के दौरान उनसे मुलाकात हुई, होली के दौरान उनसे मुलाकात हुई, तो बहुत आप जब भी सुषमा स्वराज की तस्वीर को देखेंगे आपको ऐसा लगता है कि आप परिवार की किसी महिला को देख रहे हैं, उनकी वेशभूषा, उनके रहने का तरीका। ऐसे में मैं कहूंगी कि एक खासतौर पर महिला होने के नाते महिला शक्ति को और महिला वक्ता के तौर पर सुषमा स्वराज को खासतौर पर देश की महिलाएं ज्यादा मिस करेंगी, ज्यादा याद करेंगी, क्योंकि एक ऐसा चेहरा जो आप दिन प्रतिदिन में देखते हैं और एक ऐसे ओहदे पर होकर, और जिस तरीके से कल आखिरी ट्वीट भी उनका 7:23 पर रहा, तो ये था कि वो बीमार भले ही थी पर उनका ध्यान